बेस्ट बाइसाइकल्स अंडर 15,000 रुपीज बजट इन इंडिया 2023। अब देखो यार, 15,000 रुपए के बजट में जितनी भी साइकिल्स आती है ना, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग बजट है ये कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सी साइकिल किस सेगमेंट में बेस्ट निकल के आती है, लाइक कौन सी आपको गियर्स बेस्ट दे देती है या किस में आपको टायर साइज अच्छा मिलता है, ऑल्दो फ्रेम क्वालिटी किस में ज्यादा अच्छी है। वेल, इन टुडेस वीडियो मैंने ना आपको 12,000 से लेके 15-16,000 तक की दी बेस्ट सेगमेंट साइकिल्स बताई है। वीडियो में एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा कौन सी साइकिल आपके लिए बेस्ट है। Also some basic things, देखो अगर आपकी हाइट 5.2 फीट तक है ना, देन आप 2060 टायर वाली साइकल्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी हाइट उससे ज्यादा है, like 5.8 या फिर 6 फीट तक है, तो आप 27.5T के साथ जाओ। उससे भी ज्यादा हाइट है ना, देन लास्ट ऑप्शन आपके लिए बचता है 2090 को बेसिकली 5.4 से ऊपर वाले सभी चला सकते हैं। बाकी इसके अलावा गियर एंड नॉन गियर, ये आपकी प्रेफरेंस है। मैंने आपको सारी साइकिल्स गियर्स वाली बताई है, बट इनमें नॉन गियर वेरिएंट्स भी सभी साइकिल्स के आते हैं, जो कि इनसे 2 या 3 हजार रुपए सस्ते आते। बाकी गए सारे बाइसाइकल्स की बेस्ट डिस्काउंटेड बाइंग लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, बट वहाँ जाने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आपका बजट 10,000 है तो मेरी ये वाली वीडियो देखो, वरना लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वीडियो की शुरुआत होती है नंबर 5 पे आने वाली साइकिल से, जो कि आपको लीडर की स्फीयर 27.5T वेरिएंट मिल जाती है। अब इस साइकिल का ना डेडिकेटेड रिव्यू डाल चुका हूं मैं चैनल पे, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बट फिर भी यहां पर आपको 27.5T टायर्स मिल जाते हैं, जो कि नायलॉन है, हार्टेक्स के एक्स्ट्रा एक्शन टायर मिलते हैं। इनकी विड्थ बहुत ज्यादा 2.40 के आसपास, तो एज एन एमटीबी बाइक ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। आपको डबल वॉल एलॉय रिम्स मिल जाते हैं। साइकिल में डुअल डिस्क ब्रेक आता है आगे एंड पीछे दोनों साइड। साइकिल में आपको 6 बोल्टेड डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। शिमानो टॉर्नी गियर्स मिलते हैं। इसका डीरेलर एंड शिफ्टर दोनों ही शिमानो के आते हैं। बाकी जो सस्पेंशन है वो थ्रेडलेस आता है, काफी अच्छे से वर्क करता है। एंड जो इसका फ्रेम है वो बेसिकली स्टील फ्रेम है, तो थोड़ी सी हैवी है ये साइकिल, बट बिकॉज एमटीवी जो होती है ना, वो बनी ऑफ रोडिंग एंड स्टंट वगैरह करने के लिए होती है, तो हैवी होती है साइकिल्स। बट हाँ, फ्रेम से मेरे को बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। फ्रेम के ऊपर जो प्रिंटिंग की है ना इन्होंने, वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लाइक लगता है कि आपने कोई महंगी चीज खरीदी है। बाकी तो सैडल की बात करें, अरे सीट अंग्रेजों, ये फुल्ली आपको पीयू कुशनिंग में देखने को मिल जाती है। काफी कंफर्टेबल सीट आती है, आप इजीली हाइट को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग मैकेनिज्म। आगे का जो टायर आता है उसमें भी आपको लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है, लाइक आगे का टायर अगर पंचर भी हो जाता है तो आप लॉक खोल के ले जा सकते हो उसको। बाकी जो हैंडल है वो टी शेप्ड आता है। अब अगर आपकी हाइट 5.23 फीट से ज्यादा है ना, तभी प्रेफर करता हूँ मैं इसको, बिकॉज सीट से हैंडल का जो डिस्टेंस है ना, वो इन हाइट वालों के लिए ठीक है, बट इससे कम हाइट है तो आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेगी। फ्रेम का जो साइज है वो 18 इंचेस आता है, एंड एज आई सेड 21 स्पीड गियर्स मिलते हैं आपको 3x7 कैसेट्स में। साइकिल काफी अच्छी निकल के आती है। इसका जो करंट प्राइस है ना, वो 12,000 रुपीज है, जबकि जो लॉन्च प्राइस था वो 14,000 के आसपास था। बट हाँ, 12,000 रुपए के आसपास ये साइकिल वर्थ इट है। आप इस बजट पे डेफिनेटली इसको देख सकते हो, बट अगर बजट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, देन आगे देखो वीडियो को। Now guys, here comes the fourth one. ये जो साइकिल है ना, हरकुलस की तरफ से आ जाती है, इनकी टॉप गियर A27। अब इसमें ना आपको 3-4 अलग अलग वेरिएंट्स मिल। अब ये साइकिल आती है आपके 27.5T टायर साइज के साथ में, जहां पर आपको सेम डबल वॉल एलॉय रिम्स मिल जाती हैं, जो टायर्स है नायलॉन ग्रिप में आते हैं, एंड जो सस्पेंशन है अगेन थ्रेडलेस आता है, कोई भी लॉकआउट नहीं मिलता आपको सस्पेंशन में, बाकी थ्रेडलेस आता है। हरकुलस की ही तरफ से मिल जाता है सस्पेंशन भी। डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। 21 स्पीड के शिमानो टॉर्नी गियर्स मिलते हैं, जो थंब शिफ्टर्स के साथ में आते हैं। बाकी जो सीट है उसके अंदर भी आपको लॉक इन मैकेनिज्म मिलता है हाइट कम ज्यादा करने के लिए। कोई भी अलग एसेसरीज नहीं मिलती इसमें, लाइक मडगार्ड या वाटर गार्ड वगैरह, आपको सब अलग से परचेज करना पड़ेगा। बाकी यस, ये जो साइकिल है ना एलॉय बिल्ड में आती है, तो थोड़ी सी लाइट साइकिल है। अगर आपको लाइट वेट साइकिल्स पसंद है, देन उस चीज में ये साइकिल अच्छी है। लाइक देखो, इस साइकिल का जो वेट है ना, वो टोटल 16 kg के आसपास है, बट जो लीडर की थी वो 20 kg प्लस आती है। बाकी जो सैडल है वो भी काफी कंफर्टेबल ही आती है। कलर ऑप्शंस भी आपको में मिल जाते हैं 2-3 अलग अलग। अभी साइकिल का जो प्राइस है ना, 14,500 रुपीज देखने को मिल जाता है आपको। बट डेफिनेटली अगर आपको इस बजट में कोई बढ़िया बाइसाइकिल परचेस करनी है, देन इस वाली को देख सकते हो एज एन गियर बाइक। Now guys, here comes the third one. ये जो साइकिल है ना, क्रेडियक की तरफ से आ जाती है, इनकी स्क्वाड 21 गियर के साथ में। अब क्रेडियक जो ब्रांड है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है इन पैकेजिंग। लाइक ये ना फुल्ली फिट करके देते हैं साइकिल को, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा जो हैंडल है उसको फिट करना पड़ता है, बाकी इसके अलावा कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी आपको। एंड ये एक लौता ऐसा ब्रांड है, लाइक सारे ब्रांड्स आपको 80-90% असेंबल करके देते हैं, बाकी आपको इंस्टॉल करवानी पड़ती है। अब इनकी ये जो साइकिल है ना, काफी सही बजट में आ जाती है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये।
29 इंच वेरिएंट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर आपको 29 इंच के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, आपको डबल वॉल एलॉय रिम मिल जाती है, काफी पावरफुल डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, 21 स्पीड गियर सेटअप मिल जाता है। जो गियर्स हैं वो शिमानो की तरफ से ही आते हैं, शिमानो के अल्टर्स डीरेलर्स मिलते हैं एंड शिमानो के ही EF 500 शिफ्टर्स मिल जाते हैं। बट जो फ्रेम है वो हाई टेंसिल स्टील फ्रेम आता है एंड सस्पेंशन थ्रेडलेस आ जाता है। अब 29 इंच के टायर्स हैं इनके, तो डेफिनेटली काफी बड़ी साइकिल है ये। तो अगर आपकी हाइट मिनिमम 5.5 फीट से ज्यादा है देन आप डेफिनेटली इसको चला सकते हो, बट उससे अगर कम है ना देन आई विल नॉट रिकमेंड दिस वन। सीट को भी आप डेफिनेटली अप डाउन कर सकते हो। इसी में आपको एक एक्सप्लोरर वेरिएंट भी मिलता है, वो भी सेम चीजें दे देता है कुछ कुछ, बट वो अभी अनअवेलेबल है। लिंक दोनों की डाल दूंगा, जो भी आपको ठीक लगे वो ले लेना। क्रेडिट की ये जो साइकिल है ना 13,500 रुपए में आ जाती है केवल, एंड इस बजट में डेफिनेटली इट गिव्स यू अ लॉट वैल्यू। Now guys, here comes the second one. यार ये जो साइकिल है ना ये आपको 91 की ड्रैगो 27.5T वेरिएंट मिल जाता है। अब इसमें 29 भी आता है, 26 भी आता है, आप जाके चेकआउट कर लेना। अभी फिलहाल मैं जिस साइकिल की बात कर रहा हूँ वो 27.5T वेरिएंट है। इस साइकिल का भी फुल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। अभी इसके कुछ की स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पर जो कलर्स है ना साइकिल के वो मेरे को सबसे बेस्ट लगे, लाइक बिल्कुल वाटर डिटेल्स है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मेटल के ऊपर कलर है, लाइक बिल्कुल जो कार्स एंड बाइक्स वाले कलर्स होते हैं ना वो चीज मिलती है आपको। सस्पेंशन काफी अच्छे से काम करते हैं, मैं ऑलरेडी इसको राइड कर रहा हूं अभी। 21 स्पीड के आपको शिमानो गियर्स मिल जाते हैं, डीरेलर्स एंड शिफ्टर्स दोनों ही शिमानो की तरफ से आते हैं। 7x3 के सेट में डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं आपको। जो टायर्स हैं वो रगेड रीडिफाइंड टायर्स हैं 91 की तरफ से एंड 27.5 इंचेस के आ जाते हैं। बाकी इसका जो फ्रेम है वो 17 इंचेस का है, फुल बॉडी स्टेनलेस स्टील की ही आती है। बट यस, यहां पर आपकी हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी हाइट 5.5 से कम है देन आप इसका 26 इंच वेरिएंट लेना, बिकॉज इसका हैंडल थोड़ा सा दूर आता है। लेकिन हाँ, 5.5 से ज्यादा है तो आपके लिए 27 इंच वाला वेरिएंट काफी अच्छे से काम कर जाएगा। वहीं आपको और ज्यादा हाइट चाहिए तो आप 29 इंच वाला ले लो। ये जो साइकिल है ना आपको अमेजोन पे काफी महंगी मिलती है, तो आप 91 की वेबसाइट से खरीद सकते हो। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना जो कि आपको इसके रिव्यू वीडियो में मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अभी 91 की वेबसाइट पे ये जो साइकिल है ना 16,000 के अराउंड मिल रही है, बट ऑन अमेजोन 20,000 प्राइसेस का, एंड अलग अलग वेरिएंट्स और भी सस्ते मिल जाते हैं। Now guys, here comes the last and the best one in my opinion. Guys, ये जो साइकिल है ना Firefox की बैड एटीट्यूड ग्रंज नियो आ जाती है, जो कि अगेन 27.5T वेरिएंट बता रहा हूँ मैं। अब इस साइकिल का जो प्राइस है ना फिलहाल काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, लाइक आज हो सकता है आपको ये 14,000 की मिले, कल हो सकता है आपको ये 16,000 की मिले, और तो और इसका प्राइस ना 20,000 तक गया हुआ है। बट इसका जो बेस्ट प्राइस है ना वो 15,000 के आसपास है। बाकी मैं इसके आपको 2-3 अलग अलग वेरिएंट्स की लिंक दे दूंगा। फिलहाल इस वाले की बात करूं तो आपको ये बिल्कुल स्काई कलर में देखने को मिल जाती है, काफी अच्छा बिल्ड आता है इसका एंड फ्रेम भी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर जो सस्पेंशन है अगेन थ्रेडलेस आते हैं, आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, 17 इंचेस का फ्रेम मिलता है। बाकी जो गियर्स हैं एज ऑलवेज 21 स्पीड मिल जाते हैं विद शिमानो शिफ्टर्स, शिमानो डीरेलर्स एंड फ्रेम के ऊपर सेम लाइफ टाइम वारंटी मिल जाती है। इसकी सीट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी, कंफर्टेबल एंड स्मूथ लगी इन कंपैरिजन ऑफ ऑल ब्रांड्स। बाकी जो सस्पेंशन है वो जर्क फ्री राइड दे देता है आपको, लाइक 80mm ट्रैवल के साथ आता है, तो मिड ऑफ रोडिंग आप इससे आराम से कर सकते हो। बाकी रिम्स भी डबल वॉल एलॉय रिम ही आती है। इस साइकिल के प्राइस की बात करूं, एज आई हैव सेड इन स्टार्टिंग काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मैं आपको 2-3 लिंक्स दे दूंगा अलग अलग वेरिएंट्स की, इसकी जो आपको सस्ता मिल जाए वो आप ले सकते हो। बाकी तो यार पांचों में से जो साइकिल आपको बेस्ट लगे वो लेना। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है फायरफॉक्स या फिर क्रेडिएक एंड ड्रैगो, इन तीन में से कोई लो, आप बिल्कुल भी डिससैटिस्फाइड नहीं होगे। बाकी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपको 5,000 से लेके 50,000 रुपीस तक बेस्ट साइकिल्स बता दूं। अगर चाहिए कमेंट जरूर करना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।